फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स बाय प्रेषित सर। हमने दोस्तों वन शॉट लेक्चर शुरू कर दिए हैं और इसके पहले का आपने सबने बहुत अच्छे से प्यार दिया जिसपे ऑसिलेशन का हमने क्या बनाया था, वन शॉट लेक्चर बनाया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे मार्च 2022 के एग्जामिनेशन के HSC बोर्ड्स के लिए है उसको हमने क्या कर लिया था, कवर अप कर लिया था। आज दोस्तों हम फिर से एक बार एक नया चैप्टर लेके आया है जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में इतना पूरा YouTube भरा हुआ है डिस्कशन से कि वह क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, ये लेक्चर कर लीजिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो एग्जाम में है उसके ही बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। उससे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, उससे कम भी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। कंप्लीटली मैं हमारे चैप्टर पूरे इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सातों मार्क्स आपके सिक्योर करने पे आज कंप्लीट करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। आप अगला पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए। जिस किसी को इस पूरे चैप्टर के डिटेल में पूरे वीडियो चाहिए जिसके नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा रिडक्शन देखा गया है इन टर्म्स ऑफ मार्च 2022 के एग्जामिनेशन के लिए, सबसे ज्यादा डिडक्शन है। हमेशा फिर से बोलता हूं, सबसे ज्यादा डिडक्शन है। बहुत छोटा सा चैप्टर रह गया है, प्रेशर का पूरा कंसेप्ट उड़ गया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूरा उड़ गया है और बीच में सरफेस टेंशन का पूरा जो सेक्शन है वो सेक्शन हमारे लिए बच गया है। तो इस सरफेस टेंशन को पढ़ने के लिए हम स्टार्टिंग से एक बार शुरू करेंगे। पहले तो कुछ बेसिक तैयारियां कर लेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सबको फिर से बोल दूंगा, बेटा अपने दोस्तों को कहिए कि वन शॉट लेक्चर्स देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो आपके लिए पढ़ाता ही रहूंगा और हर रोज एक एक नया चैप्टर लाने की कोशिश यहां पे करता रहने वाला हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सबसे पहले बेटा फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए हमारे लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने होपफुली आपने नोटबुक खोल ली होगी और टेक्स्ट बुक भी आपके सामने रख दिया होगा। हमने क्या करना है, फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करना है। चलो हमने पेन उठा लिए और हमारे काम को लग गए। चलिए तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्लूइड इज एनीथिंग विच फ्लोज, इट इज फ्लूइड। जो बह रहा है वो सब फ्लूइड है। अब यहां पे एक डिस्कशन की बात आती है कि व्हाट इज मीन बाय टू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, दीज आर कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्सेस। अब इन फोर्सेस को लिखना हमारे लिए काम का नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, कि ये हमें एग्जाम में तो नहीं आएंगे, ये तो पढ़ाई में नहीं आएंगे, ये सिर्फ हमें कहां पे मिलने वाले हैं, हमें बैक ऑफ द माइंड हमें इन्हें याद रखना है। सबसे पहले हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स एंड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, यानी वाटर वाटर का फोर्स होगा वो कोहेसिव होगा, वाटर एयर का फोर्स होगा वो एडहेसिव होगा। एडहेसिव फोर्स यानी क्या, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी वाटर और एयर ये हो गए डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो हमेशा याद रखना कोहेसिव फोर्स ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। किससे, एडहेसिव फोर्स से, ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। ओके बेटा, दूसरी एक बात, मॉलिक्यूल अगर हम कहीं भी कंसीडर कर लेंगे, समझ लीजिए हम फ्लूइड का वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेंगे, तो इस वाटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोहेसिव या एडहेसिव होगा, तो वो आसपास के एक स्पीयर में क्या करेगा, काम करेगा। तो इसे कहेंगे हम स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो होगा हमारा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ऐसा स्पीयर जहां पे हमारा चार्ज क्या हो सकता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल और फ्लूइड मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकेगा, उसका रूल कर सकेगा। तो उसे हम कहेंगे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इस स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के द्वारा हमें पहला क्वेश्चन आता है जो 3 मार्क क्वेश्चन है, वो जो कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक है दोस्तों, कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक है। सरफेस टेंशन तक हम पहुंचते भी नहीं है, लेकिन हमें एक टर्म आ जाती है जिसे कहा गया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने वाटर कंसीडर कर लिया और वाटर में हम क्या करेंगे, हम 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे जो हमें इजीली क्या करने हैं, पकड़ने हैं। समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल मैंने नीचे कंसीडर कर लिया, ये हो गया मेरा मॉलिक्यूल नंबर ए। एक मॉलिक्यूल है जिसे मैं सरफेस के थोड़ा सा नीचे कंसीडर कर लेता हूं, ये है मेरा मॉलिक्यूल बी। और थर्ड मॉलिक्यूल है जो मैंने सरफेस पे कंसीडर कर लिया, ये है मेरा मॉलिक्यूल सी। अब मैंने ये 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिए। अब इन तीनों के मैं क्या ड्रॉ कर लेता हूं, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर लेता हूं।
यानी ए के आसपास का एक स्पीयर होगा वो ए का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, बी के आसपास का एक स्पीयर होगा जो बी का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, सी के आसपास का एक स्पीयर होगा जो सी का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी क्या दोस्तों, कि ए के आसपास का जो मैंने एरिया ड्रॉ किया है, यानी ये जो एरिया मैं कह रहा हूं यहां पे मैंने एरो निकाले हैं, इन एरो वाले एरिया में ए का रूल चलता है, ए का फोर्स लगता है, बी के आसपास के एरो में बी का रूल चलता है, सी के आसपास के एरिया में सी का रूल चलता है, यानी ये सब टर्म्स हमारे पास हो गई स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस की बेटा। अब देखिए अगर शांति से हम देखेंगे तो ए के आसपास जो सब मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ए पे सारी तरफ से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स ही एक्ट हो रहा है दोस्तों। तो कोहेसिव फोर्स अगर सब तरफ है तो नेट फोर्स अगर हम ए पे निकालने की कोशिश करेंगे, नेट फोर्स ऑन ए कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसा लिखना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूं। नेट फोर्स ऑन ए कैसा है, जीरो है। हम बी के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो नेट फोर्स ऑन बी अगर हमें निकालना है तो कैसा है बेटा, इसका आधे से ज्यादा पार्ट कैसा है वाटर में है और थोड़ा सा पार्ट कैसा आ गया एयर में आ गया, यानी आधे से ज्यादा पार्ट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, और ऊपर वाला जो छोटा सा पार्ट बचा है वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एडहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो कोहेसिव फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है, और जो छोटा से पार्ट में एडहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा है, वीकर फोर्स। ओके, तो नेट फोर्स जो बी पे होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को होगा। समझ में आ रहा है आपको, क्यों, बिकॉज ये जो डाउनवर्ड जाने वाले इसके सब लाइंस है वो कैसे है, स्ट्रॉन्गर फोर्स डिपेंड करते हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्स इंडिकेट करते हैं, तो नेट फोर्स ऑन बी इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन बी इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लव बच गया सरफेस का सी मॉलिक्यूल, सो हम कंसिडर करेंगे नेट फोर्स ऑन सी। अब सी को आप अच्छे से देखिए बेटा, सी है सरफेस पे जहां पे हमें काम है। ओके, अब सी अगर सरफेस पे है तो सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल है तो आधा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे है, इन एयर, आधा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे है, इन वॉटर। ओके, तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा आधा डिवाइड तो हो गया, अब फोर्सेस भी आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर का फोर्स कैसा हो गया, कोहेसिव हो गया, नीचे ऊपर का फोर्स हो गया एडहेसिव, नीचे का फोर्स हो गया कोहेसिव, तो कोहेसिव फोर्स यानी यहां पे भी जो फोर्स एक्ट हो रहा है सी पे, सी के ऊपर, वो भी कैसा है, नेट डाउनवर्ड है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से कहां जा रहा है फोर्स हमारे पास, डाउनवर्ड जा रहा है बेटा। ओके, यानी सरफेस पे जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स कहां जाता है, डाउनवर्ड जाता है। यानी मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं हर एक मॉलिक्यूल का फोर्स कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब देखिए अगर सरफेस का हर एक मॉलिक्यूल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये तो ऐसा है कि जो फर्स्ट बेंच पे बच्चे बैठे हैं वो तो टेंशन में बैठे हैं कि नहीं। ओके, तो ये ऐसा बात है कि सरफेस का हर एक मॉलिक्यूल कहां जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो हम इसे कैसा फोर्स कह सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स कह सकते हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि सरफेस इट इज इन टेंशन। सरफेस कहां है, टेंशन में है। अगर सरफेस टेंशन में है तो उस टेंशन को क्या कहा गया, सरफेस टेंशन कहा गया। यहां पर हम एक लाइन कह सकते हैं दैट सरफेस behaves as a stretched elastic membrane called surface tension। सरफेस कैसा बिहेव करता है, सरफेस बिहेव्स एज स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। जैसे कोई एक इलास्टिक मेम्ब्रेन हमने स्ट्रेच कर दी हो ऐसा हमारा सरफेस बिहेव करता है, जिसपे हम क्या कह सकते हैं, जिसपे पूरा का पूरा टेंशन समाया हुआ है, और उस टेंशन को हम क्या कहेंगे बेटा, सरफेस टेंशन कहेंगे। दिस इज योर मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब लिखना कैसे है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, 101% आएगा बेटा मार्च 2022 के लिए एग्जामिनेशन में। क्या आएगा, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी। ये तो हमें बाद में लिखना है, पहले हम कहां पे पहुंच गए, एक्सप्लेनिंग सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबसे पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर हमें लिखनी है तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने एक बीकर कंसीडर कर लिया, बीकर के हमने 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिए। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तीनों मॉलिक्यूल्स की हमने पोजिशन बता दी कि ए इज इनसाइड द लिक्विड, बी इज जस्ट बिलो द लिक्विड, सी इज ऑन द सर्फेस।
और फिर तीनों के फोर्सेस बता दिए, ए के ऊपर का नेट फोर्स कैसा है, जीरो है, नेट फोर्स ऑन बी इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन सी इज इट इज ऑल्सो इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब और लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, सरफेस बिहेव एज अ स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। बहुत आसान सा हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा जो 3 मार्क के लिए बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। अब आते हैं डेफिनेशन पे, सरफेस टेंशन की। डेफिनेशन पे आने से पहले सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को इंडिकेट करने के लिए मैं एक बार मॉलिक्यूलर थ्योरी को थोड़ा सा बाजू में कर लेता हूं और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को एक बार शांति से देखने की कोशिश करेंगे। क्या है, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ लिक्विड सर्फेस। यानी अगर मैं ऐसा एक लिक्विड सर्फेस कंसिडर कर लू, सपोज दिस इज माई लिक्विड सर्फेस, अब इस लिक्विड सर्फेस पे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, और यहां पे दोनों साइड्स पे अगर फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इट इज कंसिडर्ड टू बी योर सर्फेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इंडिकेटेड बाय एफ अपॉन एल, यूनिट बनेगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर, हमेशा याद रखिए, और अगर सीजीएस में लिखना है तो इट इज डाइन पर सेंटीमीटर, इट इज डाइन पर सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ सीजीएस, और इसके डायमेंशन बनेंगे M1, L0, T-2। डेफिनेशन हमें ज्यादा इंडिकेट नहीं करती है जो हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी में डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन अगर डेफिनेशन सेपरेटली पूछे गई तो 2 मार्क के लिए पूछी जाएगी, और अगर इसे पूछा गया तो हमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन यही लिखनी है दोस्तों। अब एक रिलेशन हमारे पास है, जो रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन आने वाला है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए। चलिए बेटा, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक बार पट से पढ़ लेते हैं हम। मैंने ज्यादा थ्योरी यहां पे लिखी नहीं है, थ्योरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया है उसको एक बार थियोरेटिकली के लिए लिख लीजिए, यहां पे मैं पटाक से इसको क्या कर लूंगा, एक बार रिवाइज कर लूंगा, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। हमें सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, अब सरफेस एनर्जी क्या है बेटा, एक बार इसे समझ लीजिए, सरफेस एनर्जी यानी कोई भी लिक्विड अगर खुद का सरफेस बढ़ाने की कोशिश करता है, खुद का सरफेस बढ़ाना या कम करना चाहता है तो वो वर्क डन परफॉर्म करता है, बिकॉज देयर इज डिस्प्लेसमेंट, एक तो वो बढ़ाएगा खुद को या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों तरफ हो रही है बेटा, बढ़ेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट है, कम होगा तो भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो वर्क डन है वो उसके सरफेस एनर्जी के टर्म्स में क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर हो जाएगा, दैट इट विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन हमें आज निकालना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पकड़ लिया, कौन सी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ए बी सी डी, एक पीक्यू बार है इसमें जो स्लाइड होने वाला है, जो स्लाइड कर सकता है, इसको हमने डुबो दिया सोप सॉल्यूशन में और बाहर निकाल लिया, तो यहां पे अगर सोप फिल्म बन जानी थी तो पीक्यू भी ऊपर स्लाइड कर लिया और वो पहुंच गया बेटा यहां तक, ऐसे यहां तक वो सोप फिल्म हमारी बन गई। और यहां तक सोप फिल्म बन गई और यहां पे पहुंच गया पी डैश ये क्यू डैश तक। पहले क्या था, पहले हमारे पास एक्स करके इसकी ब्रेड्थ थी जो अब बढ़ गई और कितना हो गया डीएक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डीएक्स, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ड्यूरिंग दिस डीएक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब कोई सोचेगा सर वर्क डन निकालना क्या है, तो वर्क डन dW इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ क्या होगा डीएक्स, एफ ऑफ डीएक्स नहीं सॉरी एफ इंटू डीएक्स, एफ इज फोर्स डीएक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा फोर्स अगर निकालना है तो सरफेस टेंशन है ना हमारे पास, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, यहां पे हम तैयार करेंगे एफ इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा ट्वाइस एल। अब टू कहां से आ गया, ये बात है, अब टू यहां से आया, दैट टू विल इंडिकेट देयर आर टू नंबर ऑफ सर्फेसेस विच आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यानी अगर हमने फ्रेम कंसिडर की है तो फ्रेम कैसी होगी बेटा, समझ लीजिए ये हो गई आपकी रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम, एक साइड आपके तरफ से, एक साइड मेरे तरफ से, दीज आर द सर्फेसेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने क्या कर लिया, दिस टू विल इंडिकेट, टू इंडिकेट्स नंबर ऑफ सर्फेसेस। समझ में आ रहा है, टू क्या इंडिकेट कर रहा है,
टू विल इंडिकेट नंबर ऑफ सर्फेसिस, यानी हमारे पास फोर्स मिल गया, हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, dW = F के बजाय T twice L इंटू क्या हो जाएगा dx। अब ये अगर वर्क डन है तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, बट 2L इंटू dx कैन बी रिप्रेजेंटेड एज dA, dA दैट इज चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कैसे, चेंज इन एरिया यानी हमारे पास सीधे सीधे क्या मिलता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू चेंज इन ब्रेथ, इट इज चेंज इन एरिया। 2 क्यों इंडिकेट करेगा, जैसे ब्रेथ हमारे दोनों सर्फेसेस पे बढ़ गई वैसे एरिया भी तो दोनों सर्फेसेस पे बढ़ गया, एरिया भी दोनों सर्फेसेस पे बढ़ गया था ना। तो हमने इसे dA करके लिख लिया, तो dW = T × dA, therefore this work done is stored in the form of energy। तो हमारे पास सरफेस एनर्जी का रिलेशन मिल गया, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड बाय डी ए, सरफेस एनर्जी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू टी, यानी हम इसे सरफेस एनर्जी लिख सकते हैं, इट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके बेटा, कैसे बन गया, देखिए कितना आसान रिलेशन, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन हमारे पास बन गया टी एंड सरफेस एनर्जी, यानी हमने भी एक रिलेशन निकाल लिया, सरफेस एनर्जी का भी निकाल लिया और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया का भी रिलेशन निकाल लिया, दैट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इट इज योर सरफेस टेंशन। बन गया, इतना आसान है कि हमें कैलकुलेट करते हुए बस किसका ध्यान रखना है, इस टू का ध्यान रखना है, फोर्स वर्क डन निकालना है, इसके लिए हमने किसकी सहारा ले लिया, फोर्स का सहारा ले लिया। और टू समझ लीजिए, कोई टू भूल गया है तो उसे बस इतना याद रखना है कि कितने सर्फेसेस हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितने सर्फेसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे उतने सर्फेसेस का काम हमारे पास क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ओके, तो यहां पे कितने सर्फेस इन्वॉल्व है, दो सर्फेसेस इन्वॉल्व है, समझ में आ गया बच्चा, एक बार देख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अगला इक्वेशन हमारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट और टाइप्स ऑफ लिक्विड के बारे में होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ लिक्विड। जैसे आपको पता है कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में जब आगे बढ़ते हैं और रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हमारे बोर्ड के हिसाब से एक फिर से नया टॉपिक आ जाता है जिसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ लिक्विड। अब ये टाइप्स ऑफ लिक्विड कैसे टाइप्स है ये एक बार देखना बनता है, यानी ये जो टाइप्स बनाया है लिक्विड के, दे आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, दे आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, देयर क्रीड, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डू दे रिएक्ट विद द सब्सटेंस और हाउ डू दे रिएक्ट विद सॉलिड। यानी अगर मैं इस लिक्विड्स को अगर कोई बीकर में डाल लेता हूं, ग्लास बीकर में समझ लीजिए मैं डाल लेता हूं, मैंने जो ऑरेंज कलर से निकाला है ये समझ लीजिए हमारे ग्लास बीकर है, जब मैं लिक्विड्स को इन ग्लास बीकर में डालता हूं तब ये कैसा शेप क्रिएट करते हैं या कैसा सरफेस क्रिएट करते हैं, उनपे से हमने क्या कर लिए, तीन टाइप्स बना लिए हैं। तीनों टाइप को हमें समझ लेना है और यहां पे हमें क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है और एक डिफिनेशन है जिसे कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही डिटेल उसका एनालिसिस का, लेकिन उसका एक बेसिक हम रिवाइव जो कर रहे हैं, उस डेफिनेशन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या है, पहले बार हम तीन लिक्विड्स को देख लेंगे। पहला लिक्विड मैंने कंसीडर किया है लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सर्फेस, ऐसा लिक्विड जो जब हम सॉलिड सर्फेस के अंदर डालेंगे तब ये कंप्लीटली वेट हो जाएगा सॉलिड सर्फेस, यानी ये जो स्ट्रक्चर है उसका जो शेप बन रहा है वो एग्जैक्टली ऐसा बनेगा, एक लाइन बनेगी। ओके, नो कर्व है, ना कॉन्वेक्स शेप है, ना कॉन्केव शेप है, ऐसा टाइप का इसका शेप बन जाएगा, यानी प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर जो बनेगा वो डिस्टिल वाटर रहेगा। हमारे पास है टाइप ऑफ लिक्विड विच इज कंप्लीटली वेटिंग द सर्फेस। इसके आगे अगर हम डिस्कशन करते हुए पार्शियली वेटिंग द सर्फेस पर चले गए, पार्शियली वेटिंग यानी क्या, केरोसिन पेट्रोल ऐसे अगर फ्यूल्स हो गए तो फ्यूल्स अगर हम बीकर में डालेंगे तो उसका एक कॉन्केव शेप बन जाएगा, उसका सर्फेस एक कॉन्केव शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा मर्क्यूरी जैसा कोई हम लिक्विड कंसीडर कर लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास लिक्विड विच डज नॉट वेटिंग द सर्फेस, यानी वो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स शेप क्रिएट कर लिया। तो ये तीन टाइप्स ऑफ लिक्विड में दुनिया के सारे लिक्विड्स क्या कर लिए, उन्होंने क्लासीफाई कर लिए। और अब हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को डिस्कशन करना है, कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, समझ लीजिए मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां पे लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो समझ लेंगे ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम क्या करेंगे, हमारे लिक्विड सरफेस को एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
ये कर ली हमने टेंजेंट ड्रॉ, ये कर ली हमने यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ। अब आप कहेंगे सर यहां पे, तो यहां पे तो हमारे पास कर्व सरफेस ही नहीं है, तो वहां पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? फिर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस इज योर टेंजेंट, ओके। और इस टेंजेंट पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है हम उसे कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इनसाइड पार्ट ऑफ लिक्विड, फ्रॉम इनसाइड पार्ट ऑफ लिक्विड, फ्रॉम इनसाइड पार्ट ऑफ लिक्विड। तो यहां पे तो एंगल क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो हम यहां पे कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, यहां पे कह सकते हैं थीटा इट इज लेस देन 90 डिग्रीज, और यहां पे हम कह सकते हैं थीटा इट इज ग्रेटर देन, कैसा हो जाएगा हमारे पास, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज और थीटा इट इज ग्रेटर देन कितना डिग्रीज हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। ये जो थीटा है बेटा, इस थीटा को डिफाइन किया गया एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो थीटा है उस थीटा को हमने क्या कहा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या डिफाइन करता है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं एक बार देख लीजिए, इट इज द एंगल बिटवीन कहां पे, टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड, पहला टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, और दूसरा टर्म क्या है एंगल की, ये जो सॉलिड सरफेस है, सो इसे हम डेफिनेशन में लेंगे एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन यहां पे एक लाइन और लिखनी है हमें, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड पार्ट ऑफ लिक्विड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर यहां पे हमने एंगल देखा तो ये बाहर का भी एंगल हो सकता था, लेकिन वो आउटसाइड पार्ट हो गया, ये बाहर का एंगल हो सकता था, वो हो गया आउटसाइड पार्ट। हमने क्या कर लिया, यहां पे थीटा तो जीरो बन गया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लिक्विड विच इज कंप्लीटली वेटिंग द सर्फेस कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा, हमेशा याद रखिए ये बात, ओके। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लिक्विड विच इज पार्शियली वेटिंग द सर्फेस इट इज ऑलवेज लेस देन 90, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज डज नॉट वेटिंग द सर्फेस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90। ये तीनों इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी बन जाएगी आपकी, कि आपके पास अगर डेफिनेशन आ गई डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, तो लिखना क्या है, पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे बाद में तीनों डायग्राम निकालेंगे। अगर हमें पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, तो हमें वो भी बताना चाहिए कि पहले सबसे पहली बात, फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड मीडियम, फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। दूसरी बात, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर कंप्लीटली वेटिंग द सर्फेस जीरो, पार्शियली वेटिंग द सर्फेस लेस देन 90, डज नॉट वेटिंग द सर्फेस ग्रेटर देन 90, हो गई आपकी चार प्रॉपर्टीज, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में हम एक बार इसे भी कंसिडर कर लेंगे, इस थीटा को लेके फिर एक और एक्शन बन गई हमारे पास, उसे कहा गया कैपिलरी एक्शन, उस कैपिलरी एक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कैपिलरी एक्शन यानी क्या, तो एक बार उस वहां तक भी चले जाते हैं, यहां पर एक बार आप उसे देख लीजिए। चलिए बेटा, हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देखते हैं एक बार, जो हमारे पास एग्जाम में इस बार आने ही वाला है, ओके। जो है एक्सेस प्रेशर ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड और इनसाइड प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप और फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप भी इसे कहा जाता है। यानी इनका कहना क्या है, अगर हमारे पास इनिशियली एक ड्रॉप होगा जो आर रेडियस का है, रेडियस बढ़ गई और आर प्लस डेल्टा रेडियस का हो गया और अब इसका हो गया एक्सपांशन, तो इनसाइड प्रेशर कितना होगा और एक्सेस प्रेशर कितना होगा। एक्सेस प्रेशर यानी क्या बेटा, पीआई माइनस पीओ, क्यों, क्योंकि ड्रॉप का क्या हो रहा है एक्सपांशन, अगर ड्रॉप का एक्सपांशन हो रहा है तो इनसाइड प्रेशर ज्यादा है ना उसमें, तो इनसाइड प्रेशर अगर उसमें ज्यादा है तो एक्सपांशन के लिए हम क्या करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक लेंदी प्रोसीजर है दोस्तों, तो मेरे तरफ अच्छे से ध्यान रखिए आप। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे, हम दो वर्क डन को कंपेयर करेंगे, ओके। हमने एक बार एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम निकालनी है, डायग्राम में कंसिडरेशन करने हैं, लेट अस से पीआई इज इनसाइड प्रेशर, पीओ इज आउटसाइड प्रेशर, पीआई माइनस पीओ कितना हो गया, एक्सेस प्रेशर बन गया, ये सब हमने लिख लिया। हम सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन बाय सरफेस टेंशन। अब वर्क डन बाय सरफेस टेंशन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, डीडब्ल्यू अपॉन डीए इज इक्वल्स टू क्या बन गया, टी।
तो वर्क डन निकालने के लिए DW इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड बाय क्या बन गया, DA बन गया। ओके और दूसरी बात, हम वर्क डन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और इन दोनों वर्क डन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा आपको, पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, फिर वर्क डन बाय प्रेशर, इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि हमारे पास प्रेशर का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, DW इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए, अब लेंगे DW इज इक्वल्स टू टी एज इट इज रख लेंगे, DA को एक बार अच्छे से सॉल्व करेंगे, DA यानी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, लेट अस से A2 इज योर फाइनल एरिया, A1 इज योर इनिशियल एरिया, ड्रॉप है कौन से शेप का है बेटा, स्फेरिकल शेप का है, कौन से शेप का है, स्फेरिकल, इफ इट इज अ स्फेरिकल इन शेप सो वी कैन राइट DW इज इक्वल्स टू T एरिया ऑफ स्पीयर। अब यहां पे अच्छे से आपको देखना है, एरिया ऑफ स्पीयर कितना हो जाएगा, 4πr², लेकिन r A2 फाइनल रेडियस कितनी हो जाएगी, r प्लस डेल्टा, 4πr+Δr ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4πr², बढ़िया बेटा, r प्लस डेल्टा r उसकी फाइनल रेडियस बन गई, ये होगी उसकी इनिशियल रेडियस। हम क्या कर रहे हैं, DW इज इक्वल्स टू T इन ब्रैकेट, क्या करेंगे, एक्सपांशन कर लेंगे, एक्सपांशन कौन सा, ब्रैकेट का एक्सपांशन कर लेंगे, 4π इन ब्रैकेट r² प्लस ट्वाइस r डेल्टा r प्लस डेल्टा r² ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 4πr² एज इट इज। ओके हम क्या करेंगे, 4π अंदर मल्टीप्लीकेशन के लिए चले जाएंगे, यानी DW इज इक्वल्स टू T इन ब्रैकेट 4πr² प्लस 8πr डेल्टा r प्लस 4π डेल्टा r² माइनस 4πr² एक कंप्लीट ब्रैकेट बन गया। यहाँ पे 4πr² 4πr² हो गए कैंसल, हमने क्या कर लिया, डेल्टा r इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा r के टर्म को कर लिया निगलेक्ट, यानी DW हमारे वर्क डन पहला मिल गया हमारे पास 8πr डेल्टा r इंटू T यानी T इंटू 8πr डेल्टा r, ये हमारा हो गया वर्क डन, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर ए। ओके बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गया, अब हम निकालेंगे दूसरे सेक्शन में वर्क डन बाय फोर्स कह लेंगे, बाय फोर्स और बाय प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, DW इज इक्वल्स टू F इंटू एक्सपांशन कितना हुआ है डेल्टा R, तो F इंटू डेल्टा R। अब हमारे पास फोर्स तो है नहीं, क्योंकि फोर्स के बजाय क्या लेंगे बेटा, एक्सिस प्रेशर की टर्म लगा लेंगे, प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू, और प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया आ गया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो हम लिख लेंगे DW इज इक्वल्स टू PI माइनस PO इंटू एरिया दैट इज DA। अब चेंज इन एरिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4πr² इंटू क्या आ गया, डेल्टा R बन गया बेटा, 4πr² इंटू डेल्टा। अब इस टर्म को अगर हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इन टर्म को क्या कर लेंगे, हम कंपेयर भी कर लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन, इसे कह लेंगे इक्वेशन नंबर हम B। ये दो वर्क डन हमारे पास मिल गए, इन दोनों वर्क डन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी फॉर्मूला क्या आएगा, फ्रॉम ए एंड इक्वेशन नंबर बी, फ्रॉम ए एंड बी, लेट अस से टी इंटू 8πr डेल्टा r इज इक्वल्स टू PI माइनस PO इन ब्रैकेट 4πr² इंटू डेल्टा r, जो कैंसिल हो रहा है उसे अगर कैंसिल कर लिया तो PI माइनस PO इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आता है, 2T अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, इट इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, अगर ड्रॉप होगा तो ही ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, कब, अगर ड्रॉप होगा तो ही, अगर बबल होगा, अगर उसमें क्या होगा, बबल, तो बबल के लिए फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा। बबल क्यों, क्योंकि बबल अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो बबल के दो सर्फेसेस है, कितने सर्फेस आएंगे, दो सर्फेसेस, तो दो सर्फेसेस अगर होंगे तो PI माइनस PO इज इक्वल्स टू 2T/R इंटू 2 दैट इज 4T/R। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप इट इज 2T/R, फॉर्मेशन ऑफ बबल इट इज 4T/R, क्योंकि बबल के लिए सरफेसेस दो है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, आगे कैपिलरिटी तक जाना है हमें। चलो बेटा कैपिलरिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज कैपिलरिटी, बहुत ही आसानी से एक ही इसमें सब कुछ बता दूंगा कैपिलरिटी के बारे में, आसान स्ट्रक्चर। कैपिलरिटी जैसे एसेंट ऑफ सैप होता है, जैसे हम दिया जलाते हैं तो उसकी बाती में से ऑयल ऊपर ऊपर निकलता है, यानी क्या हो रहा है कि लिक्विड राइज हो रहा है, पार्शियली वेटिंग द सर्फेस जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है बेटा, राइज हो रहा है। एंड इफ इट इज राइजिंग थ्रू सर्टन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन, यानी इट इज राइज और फॉल ऑफ लिक्विड
इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिलरी एक्शन। अब इस कैपिलरी एक्शन में राइज तो होगा बेटा, फॉल कैसे होगा? अगर लिक्विड कैसा होगा, डज नॉट वेटिंग द सर्फेस है, तो लिक्विड क्या होगा? फॉल होगा। ओके, तो लिक्विड फॉल होगा। अब ये कितनी हाइट से राइज होगा, कितने हाइट से फॉल होगा, वो हमारा एक्सप्रेशन है एग्जाम में, ये आखिरी एक्सप्रेशन। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो आखिरी एक्सप्रेशन वो ये है कि कितने हाइट से ये राइज होगा और कितने हाइट से ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सप्रेशन और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इसलिए बेटा, क्योंकि इस पे आते हैं हम डिवीजन पे, और हम आते हैं एक फोर्स के स्ट्रक्चर पे। देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, ये स्ट्रक्चर को इसे हम कह लेंगे, ये लिक्विड सरफेस आ गया हमारे पास, ये कॉनकेव लिक्विड सरफेस है। ओके, तो पार्शियली वेटिंग का सरफेस हो गया। तो ये क्वांटिटी, ये जो दो टर्म्स है, ये हो गई सरफेस टेंशन की। मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पे जूम कर लेता हूं एक बार, कि ये हमारी कैपिलरी ऐसी लग रही होगी, ये अंदर का हमारा हो गया लिक्विड सरफेस, ऐसा दिख रहा होगा। अब इस लिक्विड सरफेस में हम एक टर्म निकाल लेंगे ऐसी ऐसी, ये हो गई बेटा हमारी क्वांटिटीज क्या, टेंशन। अब यहां पे अंदर जा रहा है वेट, वेट क्या होगा, एमजी, एमजी इट इज वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इट इज वेट ऑफ द लिक्विड विच इज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो आ गया टेंशन तो ऐसा आ गया, वेट तो नीचे आ गया, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो इधर जाएगा एक कंपोनेंट टी साइन थीटा और ऊपर जाएगा एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा। अब एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए बात को आप अच्छे से, कि क्या हो रहा है, एमजी तो पूरे स्ट्रक्चर में, एमजी तो पूरा ऐसा है, और ऊपर जो टी कॉस थीटा जा रहा है वो भी कंप्लीटली कहां पे होगा, सर्कमफेरेंस पे होगा। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि पूरा सर्कमफेरेंस पे क्या बन जाएगा, हमारा टी कॉस थीटा बन जाएगा। यानी यहां पे अगर मैंने ऐसा लिख लिया mg इज इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा, तो ही ये समझने जैसी बात है कि आपको एक्सप्रेशन समझ रहा है। mg यानी क्या हो गया, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम विच इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस t साइन थीटा का एक कंपोनेंट हमने क्या कर लिया था, t कॉस थीटा कर लिया था। समझ में आ रहा है, तो t cos थीटा कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है पूरा, और इस t cos थीटा को हम पूरे सर्कुलर स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर इतनी आसानी से ये टर्म हमें समझ रही है, तो क्या बन क्या रहा है, mg इज इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। मास के बजाय मैं अगर ले लू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है कैपिलरी का, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे मास की वैल्यू लगा ली, तो मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, डाल देंगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, कॉस थीटा सब कैंसल आउट हो गया, एच इज इक्वल टू 2 टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। ये आ गए हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या सेट होगा देखिए आप एक बार, ये यहां पे क्वेश्चन सेट होगा, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच हाइट राइज ऑफ हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन टी दैट इज सरफेस टेंशन, इट डिपेंड्स ऑन थीटा दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट डिपेंड्स ऑन आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बेटा, ये एक फैक्टर यहां पे बन गया हमारा कैपिलरिटी। ये सब है एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हम कहां पे कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एक्सप्रेशन है। इसके दो तीन छोटे छोटे एक्सप्रेशन क्वेश्चंस भी है, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये जो पूरा वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन का है। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन हमें पढ़ लेने हैं, उनका है, हमने क्या बना दिया है, वीडियो बना दिया है। तो इसे एक बार बना लीजिए, आपके सारे एक्सप्रेशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन की लिंक्स का भी यूज कर लीजिए बेटा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। मैं अगला चैप्टर भी जल्दी से जल्दी क्या कर लूंगा, अपलोड कर लूंगा। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए सब।